हेलो। अपनी माँ का फोन उठाने की फुर्सत मिल गई तुझे। तू तो चला गया ना, कुछ पता भी है किट्टू का क्या हाल है? वो तो उसका बड़ा भाई है ना, आके देखी किस हाल में है तेरी बहन। क्या हालत बना दी है उसके ससुराल वालों ने उसकी। बड़ी चली थी तेरे स्नेह में, साथ फेरे लगवाने अपना ही कर फूंक कर बैठी है। साफ साफ बताइए क्या हुआ किट्टू के साथ। ये पूछ क्या नहीं हुआ। जमाई बाबू उसे यहाँ हमारे घर पटक कर गए और ये भी कह कर गए कि सारे रिश्ते खत्म। क्या? तो उनकी बेटी को घर से भगा कर लेकर गया था ना, उन लोगों ने तेरी बहन को ही घर से निकाल दिया। देख लिया ना अपनी हरकतों का नतीजा। उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। तुम लोग तो कभी कुछ समझते ही नहीं हो ना। कैसे घसीट कर लाए थे जमाई बाबू उसे यहाँ, जैसे कि सारी गलती उस बेचारे किट्टू की ही है। और उनकी बेटी वो तो तुझे छोड़कर अपने घर बैठी है ना। ना तू कहीं का रहा और ना तेरी बहन। ध्रुव को बड़ी मुश्किल से सुलाया है, तो ही नहीं रहा था। बार बार ये पूछ रहा था कि हम लोग मसूरी क्यों नहीं जा रहे। अब मैं भी तो मसूरी नहीं जा रही हूँ ना, तो क्या जवाब दूँ उसे? ध्रुव आप तो कुछ खा लीजिए, किसी ने कुछ भी नहीं खाया। नहीं मैडम, थैंक यू। मैडम मुझे लगता है कि श्रद्धा और ध्रुव को हमें मसूरी ले जाना चाहिए। कोई जरूरत नहीं पापा, उसे रहना है तो यहीं रहे। अगर कहीं और जाना चाहती है तो बेशक चली जाए। आनंद गुस्से में मुंह से कुछ भी निकल आता है, वो तुम्हारी बहन है। मम्मी जी आपने देखा, अरे भाभी की वजह से घर में इतना बड़ा तूफान खड़ा हुआ है, अब बैठी है वहां मजे से। मैडम किट्टू भी नहीं आई अब तक, मुझे उससे ये उम्मीद नहीं थी। और क्या किया आपने उसके साथ? कहां गए आपके उसूल, आपका सही गलत? आपने जो आज अपनी बहू के साथ किया है, क्या उसको आप सही समझते हैं अंकल? बताइए। वो तो देखो फिर आ गए यहाँ पे। तेरा दिमाग खराब हो गया कुणाल, एक काम कर तू जा। Stay out of this के बच्चे, तेरी हिम्मत कैसे हुई दोबारा आने की कुणाल? उस वक्त तो छोड़ दिया, लेकिन अब नहीं छोड़ू। आनंद उस वक्त मैं भी चुप रह गया था, अब नहीं रहूंगा। इस बात का गुस्सा दिखा रहे हो हाँ? मुझसे नाराज हो ना तो मुझे मारो पीटो, जो करना है करो, एक शब्द नहीं बोलूंगा। मेरी बहन के साथ जो तुमने सलूक किया है उसको मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या गलती है किट्टू की हाँ? बताओ, बोलो क्यों उसे सजा दे रहे हो तुम? भाभी है वो श्रद्धा की, सिर्फ उसकी खुशी चाहिए थी उसने और कुछ नहीं। हमारी शादी नहीं चाहते थे ना तो उसके लिए सारा गुस्सा किट्टू पर निकाल दिया। कुणाल हमने किट्टू से कुछ भी नहीं कहा है। कुछ कहने की जरूरत कहाँ बचती है आंटी, सीधा हाथ पकड़ा और घर से निकाल दिया। बकवास बंद कर, जितना है उतना रहे। और हाँ, भाभी के साथ हमने ऐसा कुछ नहीं किया। तो फिर क्यों छोड़कर आ गए उसे वहाँ? और फिर वो जब घर पे लौटी तो उसके अपने घर के दरवाजे उसके लिए बंद कर डाले। बहू है आपकी, और सच पूछो तो बहू से कहीं बढ़कर है। जैसे शरीफ लोगों से ये उम्मीद नहीं थी मुझे। उसका अपना हस्बैंड उसे घर पर छोड़कर आ गया ये कह के कि कोई रिश्ता नहीं रखना उससे। आनंद, आनंद तुम किट्टू, मैं किट्टू को उसके मायके छोड़ आया हूं। तुम किट्टू को समझ सके, नहीं श्रद्धा को। मेरी बहन का नाम भी मत लियो। और तुम जो मेरी बहन को घसीटते हुए घर छोड़ा है, मैं देखता रहूं। जानना चाहते हो मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि तुम्हारी बहने जो किया है वो हमारे घर की बहू नहीं कर सकती। उसने जो किया उसकी उम्मीद मैं अपनी पत्नी से नहीं कर सकता था। झूठ बोला मुझसे, धोखा दिया मुझे, हमारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई उसने। इतने बड़े शब्द मत इस्तेमाल करो आनंद। वो भी उस किट्टू के लिए जिसने इस घर की खुशी को हमेशा अपनी खुशी से बढ़कर समझा, जिसने अपने ससुराल को अपना मायका बना लिया, जिसने अपनी ननंद की खुशियों के लिए एक पल के लिए भी यह नहीं सोचा कि उसके ऊपर क्या इल्जाम लग सकते हैं। उसके अपने हस्बैंड ने उसे घर से निकाल दिया। क्या यही इज्जत है तुम्हारी नजरों में किट्टू की? शट अप कुणाल, ये हमारे घर की बात है।